नमस्कार, मैं हूं रूपेंद्र श्रीवास्तव और हमारे साथ खास मेहमान हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी जी, जी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी जी, 2010 की बात करें तो 2010 में आप आरजेडी के स्टार प्रचारक थे विधानसभा चुनाव में। 2019 में पार्टी की कमान और महागठबंधन की बात की जाए, उसकी कमान आपके हाथों में बिहार में। नहीं, अब चलिए, 2010 से 2009 लगभग 9 साल जो है पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया, एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का सिपाही बन करके पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया है और अभी भी काम बहुत बाकी है जो हम लोगों को करना है। और श्रेय किसको देते हैं आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, श्रेय की बात नहीं है, अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। हमारे नज़र से अभी बहुत कुछ करना बाकी है और अभी तो बस शुरुआत है। अब ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 29-30 साल हो रखा है मेरा, और इस उम्र में जो है जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है और पार्टी का काम से लेकर के समाज का सेवा से लेकर के नेता विरोधी दल की भी भूमिका में मैं हूँ। तो ठीक है, बहुत कुछ जो है 9 साल के अंतर्गत जो है हम लोगों को सीखने का मौका मिला है। कम से कम अच्छी बात तो ये है कि 9 साल बाद भी हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष नहीं बने जी, है ना जी। लेकिन कई जगह तो हैं 1-2 साल में ही अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो हम लोग देखिए काम में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं आपका इशारा चिराग की तरफ तो नहीं? अब किसी का भी इशारा हो, इशारा से मतलब नहीं है कि फलना हो या कोई और हो, व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन एक जो बात जो है वो हमने आपके सामने एक उदाहरण पेश किया कि 9 साल बाद भी हम लोग जो है पार्टी को लेकर के, आप देखिएगा हम लोग 15 में सत्ता में भी आए, वो अलग बात है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार के विचार से सौदा कर लिए, सृजन घोटाले का डर था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का डर था और कुर्सी का लालच था, तो बीजेपी में चले गए। जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया उसको चोर दरवाजे से इन लोगों ने सरकार में लाने का काम किया। हम लोगों पे फर्जी मुकदमा केस वगैरह जो चाहे वो करें, वो तो जनता जान रही है कि तेजस्वी तो बहाना था, इनको बीजेपी में जाना था, उस वजह से इस तरह का काम किया गया। चुनाव प्रचार में जाते हैं तो जनता को कैसे समझाते हैं, मुद्दा क्या क्या होता है? हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, जनता के सवाल को हम लोग सामने रखते हैं और जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके वादों को गिनाते हैं। जनता जो है होशियार है, आकलन करती है कि हाँ बात में दम है कि नहीं है। हम लोगों का क्या मुद्दा है? गरीबी हटाने का, किसानों का आय दोगुना करने का, नौजवान को रोज़गार देने का, बिहार को स्पेशल राज्य देने का। आप देखिएगा पूरी तरीके से जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था जो बिहार में चरमरा सी गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात की जाए तो ऐसा नर्क से भी बुरा हाल हो रखा है। लेकिन सरकार में आप भी थे तो उस समय सरकार में करना चाहिए था। 18 महीने हम लोग थे ना, कुछ तो ठीक करना चाहिए। मेरे डिपार्टमेंट का बजट आप देख लीजिए, 5000 करोड़, 5000 करोड़ पहला मेरा डिपार्टमेंट ऐसा होगा बिहार सरकार में जिसने पूरे पैसे को खर्च किया, है ना, यानी खर्च हुआ और बल्कि एक्स्ट्रा लेकर भी हम लोगों ने खर्च किया। और कई हम तो काम गिना देंगे जो केंद्र में फंसा हुआ था जिसको हम लोगों ने निकलवाया। गांधी सेतु पुल जर्जर अवस्था में थी, रेनोवेशन शुरू नहीं हो पा रहा था, इसकी शुरुआत हमने करवाई। मेगा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट समय सीमा पे करवाया। 53 ऐसे आरओबी थे जो 2010 के बाद से बचे हुए थे जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, उसको क्लियर करवाया। सीआरएफ फंड बिहार को 200 करोड़ मिलता था, उसको 1000 करोड़ पे लाया। आप देखिएगा कई हज़ार किलोमीटर जो हैं SH को NH में कन्वर्ट कराया। तो काम तो हम लोगों ने 18 महीने में उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों ने किया। लेकिन आपके भाई, बड़े भाई जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा, कई मेडिकल कॉलेज बिहार में 5-5 मेडिकल कॉलेज उन्हीं के समय खोलने का मिला। कैंसर से लेकर के किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर के उन्हीं के कार्यकाल में शुरुआत हुई बिहार में, वरना बाहर जाना पड़ता था। बीजेपी श्रेय लेती है कि केंद्र में उसकी सरकार? बीजेपी तो किसी का भी श्रेय ले लेती है। बीजेपी तो आप देखिएगा जितने भी यूपीए के समय के जितने परियोजना हैं प्रधानमंत्री उसी का फीता खाली काटते रहे इन 5 साल। उनके खुद का प्रोजेक्ट आप बता दो एक जो कंप्लीट किया हो या चालू किया हो। एक भी नहीं कि प्रधानमंत्री ने कुछ काम नहीं किया, बकवास किया है, झूठ बोला है, लोगों को ठगा है, गुमराह किया है, धोखा दिया है, ये काम किया बिहार के मुख्यमंत्री ने?
बिहार के मुख्यमंत्री का तो ये स्थिति हो गया, पहले के चुनाव में नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते थे, अपने चेहरे पर वोट मांगते थे, है ना, अपने चेहरे पर वोट मांगते थे। आज क्या स्थिति आ गई है कि प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं, पुलवामा पे वोट मांग रहे हैं और देश के सेना का नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं। तो इतना सुंदर चेहरा हमारे चाचा का कहाँ गायब हो गया, जिस पे वोट मांगा करते थे, कहाँ छुप गया है, थाली खींच लेते थे, लुधियाना में हाथ उठाने वाला फोटो से इतना घबरा जाते थे। आज जो है मोदी जी का नाम लेना पड़ता है, क्यों, क्या कारण? कारण ये है क्योंकि बड़ा घोटाला इन्होंने किया, सृजन घोटाला, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और बीजेपी में जाना मजबूरी थी। और चाचा हमारे जो हैं भारी डरपोक आदमी है, और डर के कारण और सत्ता के लालच के कारण वो भाजपा में चले गए। अब भाजपा में गए हैं तो कोई जांच नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए ना, सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर को सज़ा दिया कि नहीं दिया, पहली बार बालिका गृह मुजफ्फरपुर में क्यों दिया, क्योंकि जांच अधिकारी का तबादला कर दिया गया, किसके इशारे पे हुआ, किसके कहने पे हुआ, ये जवाब नहीं बन पा रहा था देने में। लेकिन बालिका गृह को लेकर आरजेडी हमेशा आवाज़ उठाती रही है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बालिका गृह पर आप लोग तो आवाज़ उठाते हैं, राजबल्लभ जैसे जो आपके विधायक हैं उनकी पत्नी को तो हो रही है ना। आप बताओ ना कितने मंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी के चहेते, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर केस हो रहा है, सज़ा हुई है उनको, हुई है, हुई कि नहीं हुई, हमारे पार्टी ने सस्पेंड किया कि नहीं किया, किया हाँ तो पत्नी को आपने टिकट दिया। अरे तो आप मर्डर कीजिएगा तो आपकी बीवी को जेल भेजा जाएगा, नहीं ना, तो ज़रूरी थोड़ी ना आप अपराधी हैं तो और कोई अपराधी हो आपके घर में, ऐसा तो नहीं होता। बात समझिए, दो महीने बाद FIR क्यों हुआ, दो महीने तक FIR क्यों नहीं हुआ टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बाद, और FIR भी होता तो मुख्य आरोपी का नाम क्यों नहीं होता, क्योंकि नीतीश जी का चाहता है, नीतीश जी ने बचाने का काम किया। मूछ वाले तोंद वाले कौन है अंकल, बताए ना नीतीश जी, क्यों नहीं बताते। ये लालू जी अगर आज जेल में नहीं होते, बाहर होते, तो चुनाव की बात की जाए, चुनाव का कुछ और ही मज़ा होता, कुछ और ही रंग होता चुनाव। बीजेपी के अभी ऐसे पसीने छूट रहे हैं, राम माधव ने क्या कहा कि अब हमको और सहयोगी ढूंढना पड़ेगा, अब हम अपने बलबूते NDA सरकार नहीं बना सकती, बोला कि नहीं बोला, यानी हार को स्वीकार कर रहे हैं। लालू जी रहते हैं तब तक इनका बोरिया बिस्तर पैक हो गया होता। ये लालू यादव की किताब जो है ये रायसीना, हाँ, गोपालगंज टू रायसीना, आपने पढ़ा है उसे? अरे पढ़े हम लोग तो, जान रहे हैं एक चीज़ कि उसमें क्या क्या है, मुख्य चीज़ें क्या हैं, मुख्य चीज़ें तो आप किताब पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। आप जनता आपका इशारा क्या है उसमें से पूछने का, उसमें से आप कुछ बताइएगा। आप किताब में तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको कोई अच्छा चैप्टर लगा हो, कोई लाइन अच्छा लगा हो? नहीं देखिए, इसमें जो है पिताजी ने किस प्रकार से छात्र जीवन से या हमारी माता से कैसे मिलन हुआ, कैसे शादी हुई, कैसे उनका जीवन बढ़ा, कैसे उनका संघर्ष हुआ, कहाँ कैसे वो रायसीना तक पहुँचे, सत्ता में बनाए, प्रधानमंत्री कई लोगों को बनाया, तो उसमें तो पूरा जीवन का है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को लेकर, कई नेताओं को लेकर उन्होंने लिखा है, ये तो पार्ट है ना, एक आध चीज़ें पार्ट हैं, उसमें सरकार को लेकर के नहीं, उसमें जो चीज़ें हकीकत है 100% सही बातें हैं कि हमारे चाचा जी का मोह भंग हो गया था 6 महीने के अंदर ही। अब ये तो वो चाचा जी बताएं कि ऐसा क्या हुआ 6 महीने के अंदर कि वो बीजेपी छोड़ करके भागना चाहते थे चुनाव में ही, ये तो वही बताएंगे ना, चुनाव में ही क्या किताब को लाने की क्या जरूरत आ गई। अरे भैया आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और आपको पता होना चाहिए कि रिलीज करना पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पिताजी तो पब्लिशर है नहीं। अब बताइए हम लोगों ने तो लॉन्चिंग भी नहीं कर पाए अच्छे से, है ना, तो अगर ऐसा होता तो हम खुद नहीं लॉन्च करते हैं, ये पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लॉन्च करना, अब उससे क्या लेना देना, देना चुनाव में आए या ना आए, उससे क्या लेना देना, बात तो सही है, सच्ची बात कभी भी आए उससे क्या दिक्कत है। विपक्ष कह रहा है कि जब परिवार में ही सब एक नहीं है तो हाँ, महागठबंधन कैसे एक हो सकता है? अच्छा तो काहे चुनाव में पसीना बाहर है, घर बैठे सोते रहे,
पसीना क्यों बहा रहे हैं चुनाव में फिर वो लोग, हालत क्यों खराब है? वो लोग मेरे घर में आके रहते हैं क्या, जो उनको पता होगा? महागठबंधन में है जो कितनी सीट जीत पाएगी इस चुनाव में? हम आपको चार राज्य, बिहार छोड़िए, बिहार को भी इंक्लूड कीजिए, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये चार ऐसे राज्य हैं जहां अगर बीजेपी एनडीए का खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक एक सीट जीतने के लिए बीजेपी की हालत ख़राब है, एक सीट जीतने के लिए। आप अपने कौन कौन सा सीट सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? अरे तो सब सीट जीत रहे हैं, हमको तो कोई हारा हुआ सीट ही नहीं नज़र आ रहा। एनडीए भी तो कह रहा है कि और सब सीट, कुछ शंका भी थी एक आध सीट पे, तो जब ज़मीन पे गए तो देखे ये तो गलत हम सोच रहे थे। कौन कौन सा सीट पे शंका? अरे कोई बचा ही नहीं ना सीट, सबका शंका दूर हो गया। एनडीए की बात करें, आप तो बोल रहे हैं कि 40 जीत रहे हैं, तो फिर एनडीए को क्या होगा? एनडीए को क्या होगा? ख़त्म। और जिसमें कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जेडीयू और नीतीश कुमार, जिस प्रकार से डायनासोर्स गायब हुआ था वैसे ही इनकी पार्टी और ये गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। 1974 की बात की जाए तो उस समय लालू यादव जो थे भ्रष्टाचार, परिवार वंशवाद के खिलाफ वो आए थे, और आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के खिलाफ वो थे और अपनी राजनीति की शुरुआत भी की, लेकिन आज उसी कांग्रेस के साथ आप मिलाए हुए। इतना दूर आप कहले चले गए? आपको तो सवाल अभी एक आध साल का पूछना चाहिए था ना, चार साल में चार सरकार के बारे में पूछना चाहिए था। 2012 में बीजेपी को छोड़ के भागते हैं पलटू चाचा, फिर जीतन राम मांझी जी को बनाते हैं मुख्यमंत्री, फिर उनको हटाते हैं, फिर खुद बनते हैं, फिर हमारे साथ गठबंधन करते हैं, हमको धोखा देते हैं, फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। बड़का झूठा पार्टी, याद है ना बीजेपी का मतलब? डीएनए खराब है किसका? किसने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा? किसने कहा था? अरे उस दौर का जो ज़माना था, उस समय जो भी नीतियां रही होंगी उसके खिलाफ लालू जी वगैरह थे। अच्छा, लेकिन परिस्थिति बदली, लेकिन यहाँ वहाँ तो सिद्धांत, विचार और नीति फिर भी थी, लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ कहाँ गया हमारे पलटू चाचा का अंतरात्मा? आप साथ में जब थे सरकार में क्या क्या बातें होती थी? कौन बातें ये होती थी, चाचा जी हमको बैठा करके ये समझाते थे, देखो तेजस्वी, ये बीजेपी वाले लोग जो हैं बहुत खतरनाक लोग हैं, और ये आरएसएस जो है ये आपको पता नहीं कि क्या क्या कर सकते हैं। इन लोगों के साथ हम 17-18 साल रहे, हमने देखा है, देश को बचाना है इनसे, तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते थे। छपरा आपकी पारिवारिक सीट रही है, लेकिन आप लोग उस सीट को छोड़ दिए हैं, लालू जी अपनी? अरे यार, बिहार में कोई सीट नहीं छोड़ा, 400 की 400 हम आरजेडी की सीट है। महागठबंधन जहाँ भी लड़ रहा है आरजेडी की लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। गोपालगंज आपका गिरी जिला है? हाँ। फुलवरिया इससे पहले कब गए थे आप? फुलवरिया हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, अब एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, 1-2 साल पहले गए थे। हर छोटे भाई बहन जो रहते हैं गोपालगंज में, हम लोगों ने संविधान बचाओ न्याय यात्रा की थी, शायद उस दौरान भी हम लोग गए थे। हर भाई बहन होते हैं आपस में, घर में थोड़ा झगड़ा उगड़ा करते रहते हैं, छोटे में आप भी करते होंगे, अभी होता है कि नहीं? अरे वो टॉफ़ी के लिए, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, तो नॉर्मल जो बचपन में जो लोग करते हैं। मैं हमारे घर में, हमको घर में हर लोग मानते हैं, हमको हर लोग प्यार करता है। ये रामविलास पासवान कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिसके मंच पे जाते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह के साथ जाएं, मायावती जी के साथ जाएं, या राहुल जी के साथ जाएं, या ममता बनर्जी के साथ जाएं, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर देते हैं। किनको? वो जिस मंच पे जाते हैं उसी नेता को बोलते हैं कि कभी सुने हैं क्या? वो किसको सुने? राहुल गांधी जी के अलावा और हम किसको बोले? रामविलास जी बोल रहे हैं, पता नहीं। अब वो बोले, हम वो बोले कि हम बोले, हम तो बोल रहे हम कभी नहीं बोले। रिकॉर्ड होगा ना, अगर बोलने होंगे तो रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड हुआ दिखा दें। और खैर हम जो भी करें उनको क्या, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई, ठीक है, अभिभावक हैं हमारे, हम सम्मान करते हैं उनका, बुजुर्ग हैं,
लेकिन हमको पीड़ा है उनके लिए, दुख इस बात का है कि उनकी पार्टी यहाँ से 5 जगह से चुनाव लड़ रही है ना, 5 जगह हार गई। ये एक और चीज़, एनडीए के नेताओं का कहना है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी हुई जिसके कारण हमको फायदा हो रहा है। कितना फायदा होगा 23 तारीख के बाद जब बिहार के राजनीति में भूचाल आएगा तब पता चलेगा बीजेपी को। और फायदा कैसे हो रहा है, राम माधव तो कह रहे हैं कि हमको नुकसान हो रहा है, हम तो अकेले अब एनडीए के साथ सरकार ही नहीं बना सकते, तो कहाँ से फायदा रहा, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं लोग। राबड़ी देवी लालू जी की बात की जाए तो परिवार में सबसे अधिक वो किसको मानते हैं? ये हम परिवार के लोग परिवार में ही रहने दीजिए, किसको मानते हैं, माता पिता जो हैं सभी संतान को बराबर का प्यार करते हैं, बराबर का मान लेते हैं। ठीक, सुशील मोदी के साथ आपका बहुत मकान को लेकर मामला चलता रहा? अरे मेरा कोई मकान का मामला, अरे वो लोग लालची लोग हैं, हम नेता विरोधी दल है, हमको एंटाइटल्ड है, अपना घर दे करके मेरा घर जो अलॉट था वो ले लिए, बस एक दिखाना था रॉब। खैर सरकार है तो कुछ भी कर ले। ये भी आरोप लगे कि आप लाखों करोड़ों के सोफा, ये फ्रिज, ये हाँ, सारे चीज आपने हाँ, उसमें लगाया था, सब भोग रहे हैं, वो इसीलिए आए थे क्या, वो इसी का लालच था क्या, तो भोग रहे हैं ना, भोगे तो अगर इतना लगा था तो भोगे। आपकी बार सरकार किसकी बनेगी? केंद्र में, केंद्र में UPA की बनेगी और ये बात पूरा स्पष्ट हो गया कि अब BJP और NDA दोबारा कभी भी नहीं आने वाली है। जैसे जी आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, और